अबे ओ सुन ले, ये मेरी पतंग है, पहले मैंने देखा इसे। लेकिन मैंने पहले टांग उठाई थी भागने के लिए। लेकिन पहले मैंने अपनी गर्दन घुमाई थी। लेकिन पहले मैंने सांस ली थी। अबे ओ साले बृहस्पति, आज छिज जाएगा रहने दे। तेरी तो मेरी पतंग है, ये मेरी पतंग है। रख ले इसे। अबे ये क्या कर रहा है भाई? कन्ने बांध रहा हूँ। अबे ऐसे थोड़ी बांधते हैं कन्ने, ये तो प्रोसेस ही गलत है। तो फिर सबसे पहले पतंग की लंबाई नाप लो। ये जो तेरी पतंग है इसकी लंबाई है 21 इंच। ठीक है, अब अपनी कमर नपवा ले। ये देखो तेरी कमर है 36 इंच। तो अब क्या कर, 21 और 36 को डाल दे पाइथागोरस थ्योरम में, समझा? ये 21 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, इसका ले लो अंडर रूट, तो तेरी वैल्यू आए 24। हाँ, तो अब 24 सेंटीमीटर से कन्ने बांध ले, समझ गया? बेटा जी ऐसे कन्ने बंधेंगे ना, मजा आ जाए जब पूरे मोहल्ले में कोई तेरी पतंग काट दे। अरे गुड्डू भैया की जुबान है, अगर किसी ने तेरी पतंग काट दी ना तो अपना उल्टा हाथ कटवा दूंगा। हाँ नहीं तो सही से दे यार, क्या कर रहा है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस पतंग उड़ा रहे हैं। एक मिनट, तेरे हाथ को क्या हुआ? अरे गुड्डू भैया की जुबान है, अगर किसी ने तेरी पतंग काट दी ना तो अपना उल्टा हाथ कटवा दूंगा। हाँ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे मेरी छोड़ो, अपनी देखो, अगर ऐसे पतंग उड़ाओगे ना तो अगले 15 अगस्त तक भी पतंग नहीं उड़ेगी। क्यों भाई? अबे स्ट्रैटेजी खराब है तुम लोगों की, ऐसे थोड़ी है कि कहीं भी खड़े हो जाओ और कन्ने दे दो। अबे एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। अरे भाई बता ना क्या तरीका है। देखो बहुत सिंपल है, तेरा वेट कितना है? 40 40। तेरा 50। तो अब 40 और 50 का एवरेज लेके बॉर्ड मास लगा दो, समझ रहे? जो आंसर आएगा पास, उतने कदम दूर जाके खड़े हो जाओ, वहां से कन्ने दो। बेटा मैं बता रहा हूँ, ऐसी पतंग उड़ेगी ना एक बार में उड़ेगी। अरे गुड्डू भैया की जुबान है बेटा, अगर एक बार में पतंग नहीं उड़ी ना तो अपना सीधा हाथ कटवा दूंगा। हाँ नहीं तो भाई जल्दी कैलकुलेटर निकाल, 40 और 50 का बोर्ड मास निकाल। भाई जरा पीठ खुजा दे प्लीज, भाई बहुत तेज खुजली हो रही है प्लीज। हाँ थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पतंग नहीं उड़ा रहे क्या? अरे कहाँ यार, मांझा इतना खराब है कि कोई भी हमारी पतंग आसानी से काट देता है। बस इतनी सी बात। अरे भाई अपने मांझे में लगा सांप का जहर, फिर बनेगा तेरा मांझा एक नंबर। अरे मजा ले जी, पूरे मोहल्ले में कोई तेरी पतंग काट दे। अरे गुड्डू भैया की जुबान है भाई, अगर किसी ने तेरी पतंग काट दी ना उस मांझे से तो बेटा अपनी टांग। अरे अब क्या अपनी टांगे कटवा के मानेगा? बंद कर अपनी बकलोली। अबे वो आ पेचे लड़ाते हैं। हाँ जा लड़ा ले पेचे। अबे उस पेचे की नहीं, इस पेचे की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, आजा बेटा जी, आज तो तू गया, ऐसी पतंग काटूंगा ना किसी ने सोची ना होगी। अबे जा जा, ये ऐसी वैसी पतंग नहीं है, बहुत खास पतंग है ये। खास पतंग? ऐसा क्या खास है भाई तेरी पतंग में? अबे ये पतंग कोई चांदनी चौक से थोड़ी ना आई है, यूके से आई है, यूके से। ओ बेटे यूके से, यूनाइटेड किंगडम? अबे नहीं नहीं, उत्तराखंड, मेरी बुआ का लड़का रहता है ना वहाँ पे। अबे भक बकवास पतंग है तेरी, पतंग तो बेटा मेरी है एकदम झकास। क्यों भाई ऐसा क्या है तेरी पतंग में? मेरी पतंग में पायलट है, मेरी पतंग में तो पायलट है, ये मैं थोड़ी उड़ा रहा हूँ पतंग। ये तो नाम का धागा है, असली जो पतंग उड़ रही है वो तो अंदर जो पायलट बैठा है ना पतंग में, वो उड़ा रहा है मेरी पतंग। अच्छा जी, पर कोई नहीं, मांझा तो मेरा बेस्ट है, अभी पेचे लड़ा के काट दूंगा। क्यों ऐसा क्या तेरे मांझे में? भाई मेरे मांझे में ना दांत लगे हुए हैं, जब भी पेचे लगेंगे ना तेरी पतंग को काट खाएगी। अबे चल बेटा, अब पेचे ना लड़ाई लेते हैं। आ जा। अबे मेरी पतंग कट गई।
दी। अबे मेरी तो पतंग के साथ साथ सारा मांजा भी चला गया। आई बो यार, ये तो बेइज्जती हो गई। अबे बेइज्जती छोड़, 1000 रुपए का मांजा और 100 रुपए की पतंग, टोटल 1100 रुपए का नुकसान भी हो गया। यार सही में यार, इतना पैसा बर्बाद हो गया, इससे बढ़िया तो 500 रुपए की दारू पी लेते, तल्ली होते खुद उड़ते। अरे यार क्या यार, एक पतंग आ जाए बस कट के छत पे, मजा आ जाएगा। हाँ भाई गुड्डू, क्या हाल है? ओ बेटे इतनी सारी पतंगे, और क्या हाल है, कैसा है? बढ़िया। तेरे तो दो ही हाथ हैं। तो सबके दो ही तो होते हैं। मेरे कहने का मतलब तेरे दो हाथ हैं तो तू एक बार में दो ही तो पतंग उड़ा पाएगा, बाकी सारी पतंगों में तो दीमक लग जाएगी खामखा। एक काम करता हूँ, मैं उड़ा लेता हूँ एक। ओ हीरो पीछे, ये मेरी पतंग है, मैं लाया हूँ। भाई प्लीज दे देना, वो एक्चुअली ना मेरे सारे पैसे मांजा खरीदने में खत्म हो गए। सारे पैसे मांजा खरीदने में खत्म हो गए? ये पक्का कोई खतरनाक मांजा लाया जो एक साथ 10-15 पतंगे काट देती है। एक काम करते हैं, तू मुझे थोड़ा सा मांजा दे दे और मैं तुझे एक पतंग दे दूंगा। डन। अबे ओ हीरो मांजा दे पहले। बिल्कुल, ये ले। अबे ये क्या है? अरे भाई यही तो मांजा है मेरा, इसी से पतंग उड़ाता हूँ मैं तो। अबे ये 5 रुपए के सिलाई मशीन के धागे खरीदने में तेरा सारे पैसे खत्म हो गए कि तू एक पतंग नहीं ले पाया? अबे ओ थोड़ा तमीज से, 5 रुपए की नहीं है ये, 7 रुपए की है। अरे भाई अब क्या बताऊं, जैसे तैसे दिल पे पत्थर रख के मैंने 7 रुपए खर्च करे हैं इस मांजे पे, और अगर अब मैं पतंग खरीदने में 10 रुपए और लगा दूंगा ना तो यार पूरा बजट हिल जाता। मैं यार क्या पागल आदमी है यार। भाई प्लीज, भाई प्लीज पतंग दे दे, बहुत मन कर रहा है उड़ाने। छोड़ भाई प्लीज, अबे हट यहां से भाई प्लीज। अच्छा चल ठीक है, एक पतंग 10 रुपए की है। 10 रुपए लेकिन मैं तुझे 5 में दे दूंगा, ना तेरी ना मेरी, 5 में डन करते हैं। चल ठीक है, मेरे 5 रुपए ये ले। अबे क्या देख रहा है? अपनी पतंग देख रहा हूँ यार, लगता है काफी दूर उड़ा दी, दिखी नहीं रही। दूर नहीं गई तेरी पतंग, कट गई। क्या, मेरी पतंग कट गई? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 5 रुपए का नुकसान हो गया। भाई साहब जिस किसी ने भी मेरी पतंग काटी है ना, उसे इस कंजूस की हाय लगेगी। आए तावा भाई प्लीज रिफंड करा दे, 5 रुपए रिफंड कर दे मेरे, प्लीज भाई रिफंड करा दे। पागल आदमी भाई प्लीज। यार अबे तू आदमी है पजामा, ये मांजा भी कोई मांजा है क्या? अबे भाई वो तो मुझे टाइम नहीं मिला इस बार, वरना तू मानेगा नहीं, पिछले 15 अगस्त को तेरे भाई ने सांप से पतंग उड़ाई थी, एक एक को 10-10 के काटता था। हैं? और क्या, हल्के में ले रहा क्या भाई को? यार मेरे पास यही है जो है, इससे ही मैं दूसरी पतंग उड़ाऊंगा। अबे तू आदमी है पजामा, ये पतंग भी कोई पतंग है क्या? वो तो मुझे इस साल टाइम नहीं मिला, वरना तू मानेगा नहीं, तेरे भाई ने पिछली 15 अगस्त को एरोप्लेन में धागा बांध के उड़ाया था। है? क्या बात कर रहे है? और क्या सच्ची, दिल्ली से बैंगलोर तो मैं ही लेकर गया था 6 फ्लाइट उड़ा के। ओ भाई हल्के में ले रहा क्या भाई को? अबे तू आदमी है पजामा। अरे अब क्या हुआ भाई? अबे पतंग उड़ाने से पहले सर से सेमी सर्कल नहीं बनाता क्या? सेमी सर्कल सर से? और क्या, अरे भाई देखिए पतंग होती है ना, इसको ऐसे सर पे रखना होता है और हल्की हल्की गोलाई देनी होती है, समझ रहा है? इससे क्या होता है पतंग ना शू करके उड़ती है, तो इसको सर पे रख और ऐसे। अबे साले तूने मेरी पतंग तोड़ दी। भाई हो सकता है आपने ना अपनी पतंग को ठीक से दूध दही नहीं दिया होगा, कमजोर रह गई बेचारी। तेरी तो Hey
गाइस तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, लाल वाला बटन है दबा दो, एकदम फ्री है गाइस। और गाइस कमेंट करते हुए और लाइक करते हुए बिल्कुल जाना है, ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, यहाँ पे भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।